नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऋषिकेश में आयोजित 3 दिवसीय बैठकों का दौर जारी रहा। कांग्रेस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए टूल किट तैयार करने में जुटी हुई है। इसे पार्टी के संगठनात्मक से लेकर बूथ स्तर तक पहुँचाने की रणनीति भी बनी। अंतिम दिन बैठक में आए प्रस्तावों और सुझावों का फाइनल मसौदा तैयार कर कोर कमेटी इस पर अपनी मुहर लगाएगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ऋषिकेश में 3 दिवसीय बैठकों का दौर ये जारी रहा है कांग्रेस को लेकर, क्या कुछ लग रहा है? विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में क्या कितनी तैयारियां नजर आ रही है कांग्रेस की? जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अभी से ही फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। जिस तरीके से अगर देखा जाए, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हाल ही में अभी बनाए गए हैं, गणेश गोदियाल, वो उन्होंने जो तैयारियों को लेकर एक मसौदा पूरा जो है वो तैयार कर लिया है। और कांग्रेस जो है वो अंदरखाने बैठकर एक मीटिंग के जरिए वो अपनी आगामी विधानसभा चुनाव की जो है वो एक रणनीति जो है वो तैयार कर रही है, जिसका जो शिविर का जो आयोजन है वो बीते 2 दिन पहले हो गया था। आज शिविर का आज अंतिम दिन है और जिन मसौदों पर बैठक में जो बात हुई है, जो चर्चाएं हुई हैं, उस पर आज आखिरी मुहर जो है वो हरीश रावत और प्रीतम सिंह जितने बड़े दिग्गज नेता है वो पहुंचकर लगाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी। जी प्रिया, बिल्कुल शहबाज, जिस तरह से ये रणनीति तैयार की गई और इस बैठक में कहीं ना कहीं लगातार कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे और विधानसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक है और इसके सामने अगर विपक्ष की बात की जाए तो भाजपा और आम जनता पार्टी दोनों ही अपने अपने मुद्दों को लेकर अड़ी हुई है। जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है वो लगातार एक मेन विपक्ष के रूप में नजर आ रही है उत्तराखंड में, और कई मुद्दों को लेकर जो है वो सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रही है। चाहे वो शिक्षकों की बात करी जाए, चाहे वो डीए की बात करी जाए, तो इस ये जो प्रेस वार्ता अभी हाल ही में गणेश गोदियाल ने की थी, उसमें उन्होंने डीए को लेकर जो बहाल करने की बात थी वो उन्होंने कहा भी था कि इसको जैसी अगर हमारी सरकार बनती है उसको जो है वो बहाल करेंगे, जो डीए काफी दिनों से रुका हुआ है। और साथ ही उन्होंने मनरेगा कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने की भी मांग करी थी। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस मैदान में नजर आ रही है। और जो अतिथि शिक्षक हैं उनको भी एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तराखंड में, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने का, तो उसपे भी कांग्रेस कह रही है कि वो जो एक रास्ता है, उस रास्ते को निकालने की जो कांग्रेस जो बात कर रही है, उसपे भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार कई मुद्दों को उठा रही है। साथ ही जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उनको भी उठाने की कांग्रेस जो है वो लगातार बात कर रही है। वहीं अगर बात करी जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार तैयारियों को जोर दे रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की अगर बात करी जाए, तो अरविंद केजरीवाल जैसे उत्तराखंड पहुंचते हैं, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर अपनी तमाम दिल्ली मॉडल की योजनाओं को गिनाते हैं। उसके बाद उसी तर्ज पर उत्तराखंड को बनाने का वादा करते हैं और संकल्प लेते हैं। साफ जाहिर है उनकी बातों से कि अगर उनकी उत्तराखंड में सरकार बनती है तो वो किस तरीके से कार्य करेंगे, लोगों अपनी विचारधाराएं जो है उन्होंने वो साफ तौर पर साफ कर दी है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं प्रिया बताना चाहूंगा कि जो है अपना तैयारियों में लगी हुई है, उसको लेकर अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। शहबाज, इस तरह की भी जानकारियां सामने आई कि कई तरह की कांग्रेस अभियानों की भी शुरुआत कर रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार विपक्ष पक्ष को घेरने की तैयारी में है, और साफ तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है जो मुद्दे उत्तराखंड में जनता की आग को हवा दे सकते हैं, तो उन मुद्दों को कांग्रेस उठाने की प्रयास में दिखाई दे रही है। साथ ही इस शिविर के बाद तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो कांग्रेस ने लाइनअप कर रखे हैं, जिनको वो शुरू करके एक बार फिर से भाजपा की नींद उड़ा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सुनने में आया है कि अंदरखाने जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि वो सरकार को घेरे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस कमेटी ने ऋषिकेश में 3 दिवसीय बैठकों का आयोजन किया और कितनी वो 2022 विधानसभा जितना नजदीक आ रहा है चुनाव, उसको लेकर कितनी तरह से
तैयार है पार्टी। और आपको बता दें कि पार्टी के संगठनात्मक से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति भी पूरी तरह से कांग्रेस ने बना ली है और अंतिम दिन बैठक में आए प्रस्तावों और सुझावों का फाइनल मसौदा तैयार कर कोर कमेटी इस पर अपनी मुहर भी लगाएगी। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 37 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 82 मरीजों की ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। साथ ही सक्रिय मामलों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या घटकर 576 पहुंच गई है। केंद्र सरकार से राज्य को पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होने से टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ रही है। प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज भी लगवा ली है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड में कोविड को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल प्रिया, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड जो है वो लगातार कोरोना को लेकर रिकवरी कर रहा है, तो इसको लेकर जो उत्तराखंड सरकार है वो लगातार एक नई गाइडलाइंस जारी करती है और उसका पालन कराने के लिए भी प्रशासन को अलर्ट पे रखा जाता है कि जिन जगहों पर इस तरीके की अगर कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ना दिखाई दे तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई के भी जो आदेश दे रखी है उत्तराखंड सरकार ने वो दे रखे हैं। तो आपको प्रिया बताना चाहूंगा कि उसी का नतीजा है कि बीते कई दिनों से भी उत्तराखंड में मौत नहीं हुई है कोविड को लेकर अगर देखा जाए, और साथ ही मरीजों का जो आंकड़ा है वो 50 से अंदर है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की जो शक्ति है, या यूं कहें जब से धामी ने कार्यभार संभाला है मुख्यमंत्री पद का, तब से ये देखा जा रहा है उन्होंने कई बड़े फैसले जो हैं वो लिए हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा को कह लें, जो कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने एक अहम फैसला लिया, क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को बहाल करने की जो मांग जो डिमांड की जा रही थी इसको भी हिंदू वोटरों से जोड़ के देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं एक आस्था का जो एक विषय है वो बनाया जा रहा था। लेकिन अगर देखा जाए उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने लगातार जाके आलाकमान से बात करी और कांवड़ यात्रा को स्थगित करने की जो मांग थी उन्होंने रखी है। जी प्रिया जी, शहबाज वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं? जी अगर वैक्सीनेशन की बात करी जाए तो वैक्सीनेशन भी उत्तराखंड में लगातार चलाया जा रहा है, काफी जोरों से इस पे ध्यान दिया जा रहा है और जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत वो भी लगातार जो है वो आदेश दे रहे हैं कि जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन पे जो है वैक्सीन की भारी मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी जिले हैं वहाँ पे RT-PCR लैब को स्थापित किया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोरोना के लेकर उत्तराखंड सरकार जितनी सख्त दिखाई दे रही है और दूसरे राज्यों में इस तरह की सख्ती देखने को नहीं मिल रही है, इसी का नतीजा अगर आप देख रही है तो साफ तौर पे जाहिर होता है कि उत्तराखंड में जिस तरीके के मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने महीने भर के अंदर ही लगातार सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं, कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है जो कोविड की जो स्थिति है वहां पर काबू में दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार से राज्य को पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होने से टीकाकरण की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा अब बढ़ गई और प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज भी लगवा ली है। वहीं देहरादून में अचानक हुई बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। मूसलाधार बारिश से देहरादून के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के चलते नालों नलियों में पानी पलटन बाजार और महाराजा अग्रसेन चौक में सड़क के किनारे स्थित दुकानों में घुस गया और परिणाम स्वरूप दुकानों में रखा सामान भी खराब हो गया है और दुकानदारों को इससे भारी नुकसान भी पहुंचा है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ज्यादातर इलाकों में सड़कों की खुदाई कर दी गई थी, परिणाम स्वरूप झमाझम बारिश होने के साथ ही समुचित जल निकासी नहीं होने की वजह से स्थिति और बदतर हो गई है। तो आपको बता दें कि देहरादून में अचानक जिस तरह से बारिश हुई है उसने स्मार्ट सिटी की पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। मूसलाधार बारिश से देहरादून के कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। तो शुभम, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो जहां पर देहरादून को स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश हुई तो उसने पूरी तरीके से प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है, क्या कुछ कहना है?
जी बिल्कुल, आपको बताओ जिस तरीके से बरसात के मौसम में लगातार उत्तराखंड या देहरादून में स्मार्ट सिटी की बात हो तो लगातार बारिश चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की पोल खुलती दिखती जा रही है। जिस तरीके से लगातार बारिश का पानी जो लोगों के घरों में घुसता जा रहा है, नाले चौक हो चुके हैं, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात की जा रही थी तो सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो पूरे तरीके से भर जा रहे हैं, तो लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो अपनी अच्छाइयां गिनवाती है स्मार्ट सिटी के नाम पर, वोट की बैंक की इस समय बातें चल रही है, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अब लोगों को इसका हार जाना भुगताना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल और केवल नाम मात्र के लिए काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरह से बताया गया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ज्यादातर इलाकों में सड़कों की खुदाई कर दी गई है सौंदीकरण के लेकर, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई इससे लोगों को कितनी ज्यादा असुविधा देखने को मिली है। जी बिल्कुल, बता दो अगर बात करूं मैं बरसात के बाद तो कई घरों में पानी घुस चुका है, उसमें प्रिंस चौक की बात करूं, पल्टन बाजार में दुकानों में पानी घुस चुका है, सहजधारा की बात करूं तो पानी जो है अपने उफान में है, नाले नदी उफान में है, और जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात की जाए प्रोजेक्ट कहीं भी और कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में या देहरादून में, ये केवल केवल खानापूर्ति के नाम पे काम किया जा रहा है, ये देखते हुए सरकार और प्रशासन को अलर्ट पे आ जाना चाहिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ज्यादातर इलाकों में सड़कों की खुदाई कर दी गई, परिणाम स्वरूप झमाझम बारिश होने के साथ ही समुचित जल निकासी नहीं होने की वजह से स्थिति अब और बद से बदतर होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल युवा सम्मेलन में पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपने संवाद में बताया कि एक समय में वो गढ़वाल राइफल्स के 840 जाबाजों के कमांडर थे, साथ ही उन्होंने आज युवाओं में जोश और उत्साह का माहौल भरा है, युवा देश प्रदेश में परिवर्तन चाह रहा है और आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है, पार्टी प्रदेश में रोजगार के द्वार खोलेगी। देखो 2022 में जो अभी चुनाव होने हैं इसमें जो अभी पार्टी पावर में है और जो पार्टी विपक्ष में है वो दोनों ना कहीं कुछ इस तरीके का फंक्शनिंग उनकी हो गई है कि आप किसी भी जगह आम जनता के बीच में जाइए, आप कहीं पे भी अगर युवाओं के बीच में जाइए, जब रुपाई होती है उस टाइम रुपाई छोड़ करके महिलाएँ आ रही हैं और बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमें तो मतलब उत्तराखंड से जो उम्मीद थी आज हमारे को भविष्य नहीं दिख रहा, हमारे बच्चों को डायरेक्शन नहीं। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल युवा सम्मेलन में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक समय में वो गढ़वाल राइफल्स के 840 जाबाजों के कमांडर भी रह चुके हैं, साथ ही उन्होंने आज युवाओं में जोश और उत्साह का माहौल भी भरा है। चमोली से एक खबर आपको बता रहे हैं, बता दें कि आम आदमी पार्टी ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया है और इस दौरान वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल युवा सम्मेलन में पहुंचे हैं और उन्होंने युवाओं से संवाद किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक समय में वो गढ़वाल राइफल्स के 840 जाबाजों के कमांडर थे और साथ ही उन्होंने आज युवाओं में जोश और उत्साह का माहौल भी देखने को मिला है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। तो सुरेंद्र आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया और इसमें वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल भी पहुंचे हैं, क्या कुछ वहां से जानकारी मिल पाई है? जी पीएम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आम आदमी पार्टी का जो युवाओं के लिए एक सम्मेलन रखा गया था, उस सम्मेलन में जो उनके वरिष्ठ नेता हैं कर्नल अजय कोठियाल जी वो भी थे और उनके जो राज्य उपाध्यक्ष तमाम नेतागण थे, और वहाँ मतलब माना ये जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे काफी सरगर्मी वो शुरू प्रारंभ कर दिया उन्होंने। तो जैसे कि अजय कोठियाल जी ने भी कहा है कि मैंने जो उन्होंने सेना का हवाला देते हुए कहा कि सेना में उन्होंने जब वो कमांडेंट थे तो 840 जवानों के वो कमांडेंट थे और उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि पदरी लक्सर के एक बड़े व्यापारी पर छापेमार की कार्रवाई से लक्सर के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि ओम प्रकाश एंड सन्स के नाम से एक प्रतिष्ठित व्यापारी आड़त का कारोबार करता है, जिसकी शिकायत लंबे समय से लोगों द्वारा लक्सर एसडीएम से की जा रही है। मिली शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए लक्सर एसडीएम ने ओम प्रकाश एंड सन्स के यहाँ औचक छापेमारी की है। साथ ही एसडीएम ने बताया है कि यहाँ के खाद्य पदार्थों के सैंपल को टेस्टिंग के लिए
भेजा गया है। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कल हमने एक रूटीन में जो एक आकस्मिक निरीक्षण ओम प्रकाश एंड सन्स के यहाँ किया था, जो लक्सर में एक बड़े आरती हैं, और हमें मतलब जो है बाज़ार से ये सर्वे मिल रहा था कि जो है कई माल जो है बाज़ार में इस तरीके से सप्लाई हो रहा है कि जो जिसका एक्सपायरी डेट निकल चुका है या क्वालिटी ठीक नहीं है। तो हमने आकस्मिक रूप से उनकी शिकायत नहीं थी, उनके यहाँ एक निरीक्षण किया, तो वहाँ पर हमने पाया कि चावल आटा और जो पशु चारा है वो जो है रख रखा उसका उचित नहीं किया गया है, बिल्कुल सीलन में नीचे रखा हुआ है, और जिससे कि उनमें झुर्रियाँ आई हुई हैं। तो उसमें खाद्य सुरक्षा विभाग और पशुपालन विभाग से हमने सैंपल लिए हैं, लैब को भी भेजे हैं, जैसी भी रिपोर्ट आती है। वहीं पौड़ी में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री घोषणाओं की विधानसभा पर समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने हर महीने मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा जनपद में 203 घोषणाएं की गई हैं, जिनमें 88 घोषणाओं का काम पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है उनका कार्य जल्द ही पूर्ण करना सुनिश्चित करें, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन कार्यों की डीपीआर अपेक्षित है उसकी डीपीआर 15 दिन के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। और अल्मोड़ा को वंदना सिंह के रूप में नया डीएम मिल गया है। उन्होंने डीएम ऑफिस पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। डीएम बनने से पहले वह शासन में अपर सचिव ग्राम्य विकास, ग्राम विकास आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता के पद पर रही है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों संग बैठक की, साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि निचले स्तर पर अधिकारी जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें। जनपद अल्मोड़ा की समस्याओं को समझने के बाद यहां जो जन शिकायतें हैं उसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि सभी जो मुद्दे आते हैं जनप्रतिनिधियों के, सामान्य जनता के, उनका निस्तारण समय से हो और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। तो क्या अल्मोड़ा जनपद की संभावनाओं को एक बार देखने के बाद यहाँ किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम हो सकता है, उसके बाद समय समय पर ब्रीफ भी करते रहेंगे, समय जितने भी संभावनाएं हैं उन सब। वहीं लक्सर में जेके टायर कंपनी के कर्मचारी पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी और उनके बीच एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसका रिन्यूअल होना था, लेकिन इस बार कंपनी ने उनका रिन्यूअल नहीं किया। जब हमने विरोध किया तो कंपनी ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को देर रात बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। कंपनी के इस कदम का कर्मचारियों ने विरोध किया और साथ ही मार्च निकालकर कंपनी प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। कर्मचारियों ने खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार भी लगाई है। बड़ी उम्मीद के साथ हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिरला टायर्स लगवाई थी सन 2006-07 में, जिसमें लगभग 6,000 श्रमिकों को रोजगार मिला था, बहुत से घर बस गए थे, यहाँ का आर्थिक स्तर ऊंचा हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता देखा बिरला से जब जेके टायर ने टेक ओवर किया तो हमारे बीच के इन श्रमिकों में से कुछ बच्चों को बहला फुसला कर उनको दलाल बना दिया, इनके बीच में यूनियनबाजी करा दी और बांटो राज करो। वहीं लक्सर में एक 21 वर्षीय युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। युवक की ट्रेन से कटने की सूचना लक्सर पुलिस को दी गई। लक्सर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे एसओआई उमेश नेगी ने बताया है कि मृतक की पहचान अभिषेक पुत्र ओमकार निवासी करंज कुतुबपुर उम्र 21 वर्ष के रूप में की गई है। एक्सीडेंट है, हमें आरपीएफ ने सूचना दी थी कि अकोड़ा कला से थोड़ा आगे लक्सर की तरफ एक व्यक्ति मालगाड़ी से कटकर मर गया है, तो सूचना पर हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर हमने आके देखा तो ये जो मृत व्यक्ति है इसका नाम अभिषेक है, पिता का नाम ओम कुमार और उम्र 21 वर्ष, ये खड़ंजा कुतुबपुर के रहने वाले हैं। और परिजनों द्वारा बताया गया कि हमें नहीं मालूम कि क्या बात थी, लेकिन हमें जब यहाँ पर पता चला कि कोई व्यक्ति है तब हमें पता चला, बाकी हमें ये पता नहीं है कि कब गए, क्यों गए ये परिवारजनों। फिलहाल के लिए इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।